अबे ये देख सर आराम से एकदम एकदम इतना ऑर्गेनाइज में मजा नहीं आ रहा ना गैराज में अच्छा कोविड के टाइम पे ना बिल्डिंग में सर हैप्पी बर्थडे सर हैप्पी बर्थडे टिश्यू बॉक्स सर वेबसाइट से सर इकडे लेफ्ट साइडला सर लेफ्ट साइड अमृतजा थैंक यू एक्चुअली बर्थडे विश एक्चुअली मेरे बच्चे घर पे थे आयरा घर पे थी और जुनैद घर पे आए हुए थे तो बच्चों ने सबसे पहले मुझे विश की नहीं आज़ाद ने अभी तक गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि वो सुबह सुबह स्कूल निकल गए थे तो वो अब मुझे मिलेंगे जब हम वापस आएंगे स्कूल से तो मैं मुझे पता चलेगा एक्चुअली मैं अभी मैंने हाल ही में इंटरव्यू दिया शायद आप लोगों ने देखा होगा किशोर जी को तो उसमें मैंने बताया और ये फैक्ट बात है कि जो मुझे लाइफ में बेस्ट गिफ्ट दिया है वो किरण जी ने दिया है 2-3 दिन पहले जो क्योंकि वो सबसे गहरा रिश्ता वो मुझे सबसे नज़दीक से जानती हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए मैं क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या खामियाँ हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया कुछ चीज़ें मेरे बारे में जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ मुझे लगा वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए उनकी बातें सुनना और समझना कि एक दूसरा इंसान जो आपके इतने नज़दीक है वो आपको कैसे देखता है और आप में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहेगा So that was the best gift for me. I started immediately. सुनने के साथ ही I started. एक उम्र के बाद अपने आप में बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। आप इस बात के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं अपने आप को टटोलने में शर्माता नहीं हूँ ना मैं डरता हूँ मुझे लगता है कि अगर मुझ में कुछ खामी है तो मैं देखना चाहूँगा समझना चाहूँगा और उसको करेक्ट करना चाहूँगा। आपने
एक्चुअली जिंदगी जो है ना वो एक जर्नी होती है. हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मैं कुछ अचीव कर लूंगा, या मुझे यहाँ तक पहुंचना है, या मुझे ये करना है. एक्चुअली जिंदगी हर दिन एक सफर है, और जो चीज आप करने जा रहे हैं वो आप शायद पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उस जर्नी को आपने कैसे जिया है अल्टीमेटली वो मैटर करता है. आमिर, कल मैंने आपका इंटरव्यू देखा देर रात जाकर, और काफी पोर्शंस दोबारा देखे. अच्छा, एक सुपरस्टार का अपने बर्थडे के दिन इस तरह का इंटरव्यू देना और ये एडमिट करना कि हाँ मैंने अपने परिवार के लिए वक्त मिस किया, बहुत गट्स चाहिए और वाकई बहुत बड़ा रियलाइजेशन है. क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक्चुअली ये जब मुझे, क्योंकि हम कोविड के वक्त पे हम लोग सब घर पे ही थे ना, तो मुझे बहुत वक्त मिला सोचने का. और जिंदगी की जो लाइफ कितनी प्रेशियस है, कितनी फ्रेजाइल है जिंदगी, कितनी हिंदी में कैसे कहते हैं, नाजुक है. थैंक यू. जिंदगी कितनी नाजुक है उसका एहसास हम सबको शायद हुआ उस वक्त. और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वक्त ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमें एक दिन जाना है, और वो बात श्योर है कि हमको एक दिन जाना है, और कब जाना है वो पता नहीं. कितना वक्त है मेरे पास, कितना वक्त है आपके पास, ये हमें पता नहीं है. तो जब ये चीज हमें पता है तो फिर वक्त का बहुत सोच के इस्तेमाल करने की जरूरत है, कि आप माइंडलेसली बगैर सोचे हम जिंदगी जीते हैं. और मैं भी ऐसे ही जीता रहा, तो मेरी कोशिश अब रहेगी कि मैं ऐसा ना करूं, और जो लोग मेरे, जिनको मैं बहुत चाहता हूं, जो मुझे बहुत चाहते हैं, उसमें आप सब भी हैं, ऑडियंस भी हैं, सबकी अपनी जगह है. हम सबकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में जैसे सबकी अपनी जगह है, उस सबको मैं ठीक तरह से वक्त दे सकूं, ठीक तरह से ध्यान दे सकूं, और मैं हर रिश्ते को हेल्दी बना सकूं. ये आप लोग ने पता नहीं कहाँ से टाइटल डाल दिया, परफेक्शनिस्ट. प्लीज सुन तो लीजिए, प्लीज सुन तो लीजिए, ईमानदारी कहाँ से आती है कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं, हाँ मैं भी कुछ गलत कर सकता हूँ. एक्चुअली मुझे लगता है कि एक दफा मुझे समझ में आ गया कि मुझ में कुछ कमजोरी है या मुझसे कुछ गलती हुई है, तो फिर मुझे उसे सुधारना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए. तो उसमें अभी मानने में क्या उसमें शर्म है? एक्चुअली बल्कि वो बेटर है कि आप कुछ सीखते हैं तो आप जब शेयर करते हैं तो और लोगों को भी सुनने को मिलता है. मैं कितने लोगों से सीखता हूँ, उनकी जिंदगी से मैं कितना सीखता हूँ. आपकी फिल्मों का इंतजार तो पूरी दुनिया को रहती है. लाल सिंह चड्ढा को लेकर अब तो बेसब्री हो रही है. नहीं अभी तो आई होप के जैसे हमने प्लान किया है 11 अगस्त को हमारी फिल्म आए, और अब हमें लगता है कि हमें जो वक्त चाहिए था फिल्म को ठीक से कंप्लीट करने का वो हमें मिलेगा. और कोशिश कर रहे हैं हम अच्छी फिल्म बनाने के लिए, देखते हैं. लाल सिंह चड्ढा के रूप में हमेशा ने यू बिलीव दैट व्हाटएवर यू नो आप रोल करते तो उसी को जीते थे हमेशा. आई मीन हाउ ऑल दैट फेज यू नो एक्चुअली ये बड़ा यूनिक पीरियड रहा है हम सबके लिए, नॉर्मल नहीं रहा. हम लोग 2 साल कोविड, हमने कभी लाइफ में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, हमने कभी इसका सामना किया नहीं है ऐसी चीज़ का. तो आई थिंक वी वर ऑल ट्राइंग टू डील विद इट. तो लाल सिंह उसी दौरान में हुई है, और I did my best, I don't know. हमने ये खबर पढ़ी है कि आप एक स्पैनिश फिल्म की रीमेक करने वाले हैं चैंपियन, जिसका नाम है आरएस प्रसन्ना के साथ, इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि अनाउंसमेंट आपने बर्थडे के दिन ही किया था, मुझे याद है. दो सवाल है दोनों. अच्छा, पहला सवाल क्या है? हाँ नहीं, देखिए एक्चुअली क्रिएटिव काम जो होता है वो उसमें आप इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं, और पूरी एक टीम एक साथ जुड़ के काम कर रही है. तो वो चीज़ जब आपको रोकनी पड़ती है, आपके अंदर से इमोशन रेडी है निकलने के लिए, आप उस प्रोसेस में हैं, उसके बीच में है, लेकिन आपको रोकना पड़ रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है. और हम लोग ने, ना सिर्फ हमारी टीम ने, लेकिन जितने लोग फिल्म मेकिंग में हैं उन सबको ये करना पड़ा कि आपको अपने इमोशंस होल्ड करके फिर, तो वो तो मुश्किल हुई. वी ट्राइड आवर बेस्ट इन दैट. और जो अगली मेरी फिल्म है, एक्चुअली मैंने अनाउंस नहीं की, आपको कैसे पता चलिया? सूत्रों के हिसाब. हाँ नहीं, आप
मतलब प्लानिंग चल रही है, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। थैंक यू। दिल चंगा तुझे सब चंगा, लाल सिंह चड्ढा की एक लाइन है, दिल चंगा। हाँ हाँ, साथी जिंदगी में आपके आखिरी शब्द इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली अब हो गई ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं पिछले इस एक साल में, पिछले दो सालों में, पिछले छः महीनों में, पिछले छः हफ्तों में, पिछले छः दिनों में। मुझे लग रहा है मुझे ऑलमोस्ट रोज मुझे कोई रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ चीज़ मैं समझ रहा हूँ और उसमें तब्दीली मुझे बहुत फास्ट आ रही है। तो अब ये लाइन जो है वो ज्यादा रेजोनेट करती है मुझ मेरे साथ कि दिल चंगा थे सब चंगा, क्योंकि आपका अरे वो तो बोलने को तो आंसर हुआ नहीं है मेरा कंप्लीट। सब तू जल्दी में तो जल्द। तो अब मुझे वो लाइन समझ में आती है कि दिल चंगा तो सब चंगा, क्योंकि एक्चुअली लाल सिंह में जो किरदार है ना, लाल सिंह का किरदार, उसका दिल इतना साफ है कि उसके दिल में किसी के लिए खोट, किसी के लिए बुरा थॉट, कोई उसको तकलीफ भी पहुंचाता है तो वो नेगेटिव थॉट नहीं ला पाता, वो बहुत साफ इंसान है। तो आई होप कि उसका थोड़ा बहुत असर हुआ है मुझ पे। माई फैमिली, माई फैमिली विल बी विथ मी एट माई हाउस टूडे। सॉरी, एक्चुअली आई हैव नॉट सीन दैट एंड आई हैव हर्ड इट्स वेरी सक्सेसफुल, सो यू नो माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। आई हैव नॉट सीन दिस। भाई मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी है, थैंक यू सो मच। और जो एक मुझे बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है इस दौरान कोविड के, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि हम सब के पास वक्त जो है ना वो बहुत कम है, या ऐसे कहूँगा कि वो हमारे ऊपर है कि हम उस वक्त को कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं, लेकिन वक्त जो है वो लिमिटेड है, कितना है वो हमें नहीं पता। तो उसका जितना हो सके सही इस्तेमाल हम करें सोच के, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को वो वक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है जो मुझे इस चीज़ समझ में आई है आज 57 की एज में, तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। थैंक यू। जय जय।